नमस्ते, आई एम बीना भारती फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल गिरिडीह। बच्चों, आज मैं वचन परिवर्तन आप लोगों को बताने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों का ध्यान आपकी राइटिंग के तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ। आप बहुत सुंदर हैं, छोटे छोटे हैं, सुंदर सुंदर हैं सब, तो आपकी राइटिंग भी सुंदर सुंदर होनी चाहिए। आप हड़बड़ नहीं कीजिए, आराम से समय दे करके लिखिए, तो आपकी राइटिंग आपकी तरह सुंदर हो जाएगी। और दूसरी बात, आप व्यायाम करते हैं या नहीं करते हैं? अगर आप नहीं करते हैं तो आप करना शुरू कर दीजिए। एक्सरसाइज तो स्कूल में भी होती थी, तो आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आप हेल्दी होंगे। तो अब आते हैं हम वचन की ओर। वचन का मतलब होता है संख्या। जिस शब्द से किसी संख्या का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। इसको इस रूप में भी समझते हैं, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की संख्या का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन से एक का पता चलता है और एक से अधिक हो जाता है, दो, तीन, चार, पांच, तो वो बहुवचन हो जाता है। आइए इसको हम लोग खिलौनों के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर कुछ सामान रखी हूँ, उनके द्वारा समझते हैं। ये देखिए, छोटे छोटे ढेर सारे ये खिलौने हैं। अब यहाँ देखते हैं, ये एक, तो ये एक है, तो ये जब एक है तो ये खिलौना। इसके साथ अगर ये और जोड़ दे रही हूं तो ये बन गए खिलौने। क्या बन गए? खिलौने। जब ये एक रहेगा तो खिलौना, ज्यादा रहेंगे तो खिलौने। उसी तरह से देखिए, ये एक क्या है, गाड़ी। क्या है? गाड़ी है। हाँ, अब इसके साथ और जोड़ दे रहे हैं गाड़ी को, और भी गाड़ी ले आए। अब ये क्या बन गया, ढेर सारे जब गाड़ी एक साथ हो गए तो क्या बन गया, गाड़ियां। क्या बन गया, गाड़ियां। अब देखिए यहां पर कुछ पुस्तक है, तो ये जो पुस्तक है, तो ये देखिए, ये एक है तो इसको बोले पुस्तक, और ये एक दूसरा और तीसरा अगर इस पर रख देते हैं तो ये एक से ज्यादा हो गई, तो इन्हें बोलेंगे पुस्तकें। क्या बोलेंगे, पुस्तकें। अब देखिए इसको इस प्रकार भी हम लोग समझते हैं, एक वचन को शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक यानी अनेक होने का पता चलता है किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का, तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। आइए इसे चित्र द्वारा भी समझते हैं हम लोग। देखिए, पहले वचन, वचन से संख्या का पता चलता है किसका, व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का, एक या अनेक का, ठीक है। लेकिन इसके दो भेद हैं, एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन से एक का पता चलता है और बहुवचन से बहु का पता चलता है। एक मतलब संख्या में एक, और बहुवचन में संख्या में बहु, एक से बहुत, एक से अधिक का पता चलता है। अब देखिए यहाँ तारा, एक तारा बना हुआ है तो उसे हम कहते हैं तारा, और एक से अधिक है तो उसे कहेंगे तारे। यहाँ एक चूड़ी बनाई हूं मैं तो इसे कहेंगे चूड़ी, जब एक रहेगा तो उसे कहेंगे चूड़ी, और जब एक से ज्यादा हो गए तो उसे कहेंगे चूड़ियां। उसी तरह से देखिए मनी प्लांट, मनी प्लांट का पौधा मैं बनाने का कोशिश की हूं तो इसे बोलते हैं लता। तो ये लता है तो इसको, एक लता है तो इसमें देखिए ढेर सारी हैं तो इसे कहेंगे लताएं। यहां पतंग एक है तो उसे पतंग कह रहे हैं, और यहां एक से ज्यादा है तो उसे हम पतंगे कह रहे हैं। उसी तरह से आप अपने भाई को राखी बांधते हैं तो देखिए, एक है तो उसे राखी बोले, और एक से अधिक राखी है तो उसे हम बोले राखियां। क्या बोलते हैं, राखियां।
तो बच्चों आप लोगों को वचन परिवर्तन करना समझ में आ गया होगा। अब आपका होमवर्क है कि आप अपने से कोई 5 संज्ञा शब्द चुनें और उसका वचन बदल कर दिखाएं। धन्यवाद।